सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर से हैं सलमान खान के साथ क्लोज रिलेशन में, जबकि दूसरी जानब सोनाक्षी सिन्हा के पुराने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी करने के वाले हैं से हैं बेटा। दोनों को एक साथ एक होटल में किया गया सपोर्ट। क्या सोनाक्षी सिन्हा वाकई जहीर इकबाल को पसंद करती हैं और जहीर इकबाल के साथ शादी करना चाहती हैं? अगर सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल को पसंद करती हैं और जहीर इकबाल के साथ शादी करना चाहती हैं तो वह सलमान खान के साथ क्यों क्लोज होने की कोशिश कर रही हैं? इस हवाले से सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। सोनाक्षी सिन्हा का स्टेटमेंट सुनकर सब हैं बहुत ज़्यादा हैरान। इस हवाले से सारी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूम मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतब आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान का रिलेशन फिल्म दबंग से चला आ रहा है। सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग 2 में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और फैंस उनको मज़ीद फिल्मों में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान के साथ फिल्म करने के बाद सोशल मीडिया से गायब हो गई और जहीर इकबाल के साथ नए रिलेशन में नज़र आने लगी। जहीर इकबाल जो कि सोनाक्षी सिन्हा के हम उम्र हैं और उनके साथ शादी करने के हवाले से बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रहे हैं। खबरें हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल ने अभी तक किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया, लेकिन दोनों फिल्म बनाना चाहते हैं और दोनों उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा के फैंस का दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सलमान खान की शादी के हवाले से सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए बताया है कि सलमान खान अब 57 साल के हो चुके हैं और मुश्किल ही है कि अब वो शादी करें, क्योंकि सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करने का इरादा किया था तो पूजा हेगड़े आ गई थी। पूजा हेगड़े ने सलमान खान के साथ शादी करने का वादा कर लिया, जिसकी वजह से सोनाक्षी सिन्हा पीछे हट गई। सोनाक्षी सिन्हा ने मज़ीद बताया कि वो सलमान खान के साथ सिर्फ फिल्म की यादा क्लोज हैं, इसके अलावा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल को पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।